Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं कार मैकेनिक सिमुलेटर। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर भाई हमने जो अपनी पिछली वीडियो है, थोड़ा सा आपको पिछली वीडियो के बारे में बताता हूं। यानी कि जब हमने कार मैकेनिक सिमुलेटर की जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्या करा था हमारे पास, जब यानी कि हम अपना एक शोरूम के अंदर यानी कि अपना खुद के पर्सनली गैरेज के अंदर आते, तो गाइस सीन वहां पर ये था कि हमको दो कार्स दी गई थी और हमारे पास पेमेंट थी $4,000। और भाई किसी का $4,000 हो यानी कि हमारे यानी कि कहीं की भी अगर हम वैल्यू लगाएं तो उसके हिसाब से $4,000 कुछ भी नहीं होती। यानी किसी भी कंट्री की वैल्यू लगाएं, जहां पर भी जैसे हम कहीं भी रह रहे हैं तो वहां की वैल्यू भी लगाएं, तो उसके हिसाब से भाई $4,000 बहुत ही ज्यादा कम हमारे पास रकम है। और इसके अलावा भाई इसके हमारे पास क्या था, हमको एक कार दी गई थी और एक जो थोड़ी सी उसकी बॉडी अच्छी थी, और दूसरी कार दी थी वो पूरी गाड़ी जो है अच्छी खासी डैमेज हो चुकी थी। जो हमारी जिसकी बॉडी अच्छी थी ना, उस कार के अंदर का सारा सामान कुछ था ही नहीं, पूरी कार अंदर से जो खाली थी, इसी हमको बॉडी दे दी गई थी और साफ सुथरी बॉडी दी गई थी। और भाई जो हमारे दूसरी कार दी थी वो पूरी कार डैमेज थी। और आपको पता है डैमेज कार को जो है वापसी रिपेयर करना है, उसको अच्छी तरीके से चलते हुए देखना है, तो एक आपको ज्यादा जबरदस्त सीन लगता है। तो गाइस आज की जो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या करने वाला है, यानी जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्या करा था, मैंने एक कार को सेल कर दिया था। यानी कि जो साफ सुथरी बॉडी वाली जो कार थी मैंने उसको सेल करा था, उसके मेरे को मिले थे $1,92,000। तो गाइस मेरे को मिले थे उसके अंदर। इसके अलावा यानी कि जो अच्छी खासी रकम मेरे पास हो गई थी, तो तकरीबन वो जो है ना यानी कि 2 लाख से ऊपर चली गई थी वो वैल्यू। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, जो हमने बोल्ट केप को फिर हमने उसको रिपेयर करने का सोचा था, तो हमने उसके जो सारे पुर्जे वगैरह जितने भी जो दूसरे उसके पार्ट्स थे, तो हमने सारा को उसको निकाला और पूरी कार को हमने खोल के रख दिया, इंजन वगैरह हर चीज निकाल ली थी। तो हमने लास्ट के अंदर मैंने आपको दिखाता, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पूरी लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमने पूरी अपनी बोल्ट केप को अच्छा वहां से रिपेयर कर लिया था। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंजन को बनाना, यानी कार का इंजन जो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज की वीडियो की लेंथ भाई लंबी भी ज्यादा हो सकती है, तकरीबन मैं 1 घंटे के करीब वीडियो पहुंच सकती है। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मैं अपनी वीडियो को निपटाऊंगा, क्योंकि भाई आज का जो इंजन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इंजन में आज लगता क्या क्या, भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड है इंजन को बनाना। और भाई मैं पुराने इंजन को रिपेयर नहीं करूंगा, मैं उसी इंजन को नया बनाने जा रहा हूं। तो गाइस अभी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और आपने अभी तक मेरे चैनल जीटी वन को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल जीटी वन को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर मैं आ गया भाई अपने गैरेज के अंदर। भाई गैरेज में आने के बाद थोड़ा सा मैं आपको सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा विजिट करा दो, क्योंकि विजिट कराना जरूरी है। जिसने भाई मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो भाई उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो भाई ये अपना ऑफिस है और ये अपना कार पेंट एरिया है, यहाँ पर अपनी कार को पेंट वगैरह करता हूँ। बहुत ही बड़ा भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत हमारा यानी कि गैरेज बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये भाई कार को रनिंग टेस्ट कराते हैं इस जगह पर, यानी कार को इधर खड़े करके इसका रनिंग टेस्ट चेक करेंगे। और भाई यहाँ पर ये अच्छे टूल बॉक्स है गाइस ये, और ये अपना यहाँ पर इंजन बनाने वाले हैं। हमारा इंजन स्टैंड था भाई, ये हमारा जो ऑर्डर लेने का था भाई, ये कार है जिसको हमने अच्छा खासा रिपेयर कर लिया था। देखो इसको पूरा लिख थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, यानी कि ये कार थी जिसका हमने सारा सामान नया लगाया था। और भाई जो जंग लगा हुआ नजर आ रहा है, ये चीज साफ नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि ये चीज जो हमने इसको धुलवाई थी, लेकिन फिर भी ये साफ नहीं हो रही थी। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या करने वाले हैं, यानी आज से हम इंजन बनाएंगे, लेकिन पूरी कार को जो पेंट वगैरह हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर हम फुल कार को अगर रिपेयर करें तो भाई 2 घंटे की वीडियो आराम से बन सकती है, तो मैं इतना लंबी वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं अभी ये करूंगा, सबसे पहले तो थोड़ी देर में आपको बॉडी वगैरह अच्छी खासी दिखा दी है, सारा डोर्स वगैरह। और भाई अपना लिफ्टर थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लिया मैंने, और मैं आपको थोड़ा सा अंदर ही तरफ से विजिट करा देता हूँ। ये देखो पूरी अंदर से कार बोल रहे, पूरी कार जो अंदर से खाली पड़ी है, इसका सस्पेंशन बंपर वगैरह जो अभी मैंने नहीं लगाया भाई, ये क्या अच्छा ये लगी हुई, इसको भी खाली कर दिया भाई। अब देखो पूरी कार जो पूरी खाली है अंदर से, इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है, एक भी रॉड वगैरह कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मैं देखो यहाँ पर रिपेयर करते हैं ये, और हमारा भाई अच्छा कार पार्किंग टेस्ट है। यहाँ पर हम अपनी स्पीड टेस्ट करते हैं कार की ना, यानी कार को यहाँ पर रन करके चेक करेंगे। और वहाँ पे जो कार की स्पीड टेस्ट होती है, यहाँ पर कार का टेस्ट होता है कि कुछ इसके अंदर मिसिंग वगैरह तो नहीं रह गया। और भाई ये अपना है बेंच रिपेयर, यानी कोई भी सामान को वापस रिपेयर करना चाहे तो यहाँ पर लाके कर सकते हैं। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ पर आ गया, और गाइस यहाँ पर अपने इंजन को बनाना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आज का जो इंजन है ना बहुत ही ज्यादा हैवी होने वाला है। और यहाँ से सबसे पहले तो भाई मैं इंजन के बारे में कुछ जानना चाहूंगा, तो सबसे पहले कुछ मैं आपको दिखाता हूं। इंजन स्टैंड यानी कि इससे हम अपने इंजन बनाते हैं, और एक होता है इंजन निकालने वाला स्टैंड, तो ये है इंजन बनाने वाला स्टैंड। अगर मैं इस स्टैंड की बात करूं तो ये आप सभी को पता है इंजन को है, इंजन क्रेन है ये, इंजन ये को निकालती है ये, वो जो स्टैंड था वो इंजन को क्या करती है रिपेयर करती है। तो मूवमेंट मूव कंपाउंड करके चेक करना, मूव करना हो तो जैसे वहां पर हम भेज सकते हैं कार लिफ्टर, एक ऊपर भेजते हैं इसको,
और भाई कार लिफ्टर एक ऊपर जैसे हमें भेजना है, हमें जो है नया इंजन बनाना, तो नया इंजन के लिए करना पड़ेगा रोटेट, ये बोला क्रिएट अ न्यू इंजन, और यहाँ पर रोटेट करने का बोला यानी लेफ्ट राइट साइड कोई भी रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई इंजन काफी सारा आगे, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा अपनी कार का एक इंजन देखूंगा, इसमें कार इंजन कौन सा लगा हुआ था, कार स्टेटस में आगे मैंने चेक कर लेता हूँ। इस कार का इंजन जो लगा हुआ है वो भी VB1 कर्ब OHV, तो अभी मेरे को ये वाला इंजन लेना पड़ेगा OHV वाला। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये कौन सा भाई, ये भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा आगे 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 भाई, फटाफट से आगे आ जा भाई, यार इंजन नहीं चाहिए। हाँ भाई भाई भी वन कर्ब OHV 100% ये इंजन है, उसके अलावा दूसरा भी, हाँ ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए भाई, ये वाला चाहिए OHV, यही मेरी कार में लगेगा भाई। दूसरा मैं इंजन रेडी तो कर सकता हूँ, बट ये हो सकता है भाई कार के अंदर पता चला लगे नहीं, तो हमारी सारी मेहनत पानी के अंदर जाएगी। तो सबसे पहले तो इस इंजन को मैंने निकाल लिया, और यहाँ पर अपने टेबलेट के ऊपर जाऊँगा, टेबलेट पर आप सभी को पता हम सामान परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा बॉडी मिल चुकी है, इंजन की नजर नहीं आ रही लेकिन बॉडी हमको मिल गई है। अगर मैंने इनविजिबल करके जगह दिखा रहा हूँ आपको, तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये ऐसा टोटली हमारा इंजन संभालने के पार्ट्स वगैरह लगने अब फिर नजर आएगा। तो सबसे पहले टेबलेट के अंदर आ जाता हूँ, और भाई यहाँ पर मैं अपने पार्ट्स को परचेज करूंगा, और सारे मेरे बोल्ट के इंजन के ही होने वाले हैं, यानी कि V8 1 कार्ब OHV के इंजन का ही सारा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मैंने सारा पार्ट्स वगैरह मंगा लिया, और यहाँ पर कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी से फटाफट से परचेज कर लूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे को परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा ये इंजन का ही आइटम्स है। अब इसमें जो लगेगा वो हम लगा लेंगे, जो नहीं लगेगा उसको हम छोड़ देंगे, और अभी काफ़ी सारी मैं वीडियो खर्च करने वाला हूँ। और आई थिंक मेरे ख्याल से जो है तकरीबन जो है ना इसके अंदर 1 लाख से ऊपर का इंजन जो है लगने वाला है, 1 लाख क्रॉस कर जाएगा इंजन को बनाने में, और हमारी पूरी कार रेडी होगी तकरीबन $2 लाख के अंदर हमारी पूरी कार को हम रेडी कर लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर सारा सामान को परचेज कर लिया है, और भाई और देख लेते हैं और क्या क्या चीज लगेगी इसके अंदर। चेन्स वगैरह सारे हमने परचेज कर लिए, फिल्टर परचेज कर लिया है इसके अंदर के, वायर्स परचेज कर लिए, जो भी कुछ है। और इसके अलावा और भी हम जब इंजन बनाने स्टार्ट करेंगे तो इसके अलावा जो चीज़ हमारे से रह गई है उसको भी हम परचेज कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमने ब्रेक वगैरह का ले लिया है, सारा ब्रेक का सामान है, ब्रेक का सामान तो वैसे भी इंजन के अंदर यूज नहीं आएगा, और भैया मेरे को 8-9 चाहिए तकरीबन ना, क्योंकि ये मेरे को इतना तो पता है कार के अंदर जो है ना ज़्यादा ही लगते हैं ये। और भाई ये भी ले लेंगे भाई, सारी चीज़ें हम परचेज करने में लगे पड़े हैं, अभी हमें पता भी नहीं क्या लगेगा क्या नहीं लगा। अच्छा मेरे लेने की वजह ये है कि मैं इसको बेच भी सकता हूँ वापसी से, मैं चाहूँ तो जो सामान मैंने परचेज किया यानी जो पार्ट्स मैंने परचेज किए उन पार्ट्स को मैं सेल भी कर सकता हूँ। भाई ये हमारी इंजन की बॉडी है सारी ना, जितनी भी आ रही है सारी इंजन की बॉडी है, वैसे तो मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक बॉडी को चूज कर सकता हूँ OHV वाली की, क्योंकि वही हमारी इंजन की बॉडी होगी। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर खुदा ना रास्ता नहीं लगी तो वापसी टेबलेट के अंदर आना पड़ेगा मेरे को, तो अंदर टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मेरा पेमेंट अभी वैसे भी काफ़ी सारा है। और भाई ओवर $30,000 मेरी पेमेंट रह गई, $27,000 मेरी पेमेंट रह चुकी है, काफ़ी कम हो गई है, 1,18,000 से मैंने अपनी पेमेंट को स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँच गई गाइस। भाई अच्छी खासी पेमेंट हमारी जो यूज़ होने में लगी हुई है, सारी चीज़ें कह रहा हूँ मैं परचेस कर रहा हूँ, भाई हमारी खुद की पर्सनली कार है, हम इसको अच्छा रिपेयर करेंगे। भाई किसी और की होती तो मैं भाई हल्का हल्का सामान लगा के उसको फटाफट से निपटाने वाली करता, लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी खुद की पर्सनली कार है, इसको यूज़ में लूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा सामान भी ले रहा हूँ, हर चीज़ ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो भाई मैं उसको भी ले लूँगा, लेकिन अभी सबसे पहले तो यहाँ पर जो जो मेरे को इंजन का कार का जितने पार्ट्स वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे हैं सारे मैं फटाफट से भी परचेस करने में लगा हुआ हूँ। इसके अलावा देखेंगे अब जो कमी रही है उस कमी को पूरा करेंगे बाद के अंदर, अभी तो फटाफट से जो इंजन का सामान है सबसे पहले वो मैं ले लेता हूँ। भाई तकरीबन तो हमने ज़्यादातर तो ले ही लिया है, इसके अलावा देखते हैं भाई और ये भी रह गया। अब कितना आइटम्स रहेगा है, अब भाई यहाँ पे तो खत्म ही नहीं हो रहा, चल मेरा भाई यहाँ से अभी टेबलेट से बाहर आ गया। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंजन को इनविजिबल करना चाहूँगा, भाई इनविजिबल करना पड़ेगा इसको मूवमेंट। हाँ ठीक है, आप ठीक है, इन्वेंटरी के अंदर देखते हैं, इन्वेंटरी के अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, नो आइटम्स, यहाँ पर भी नो आइटम है। और यहाँ पर भाई गेम सेव करने के ऑप्शन में नहीं जाना मेरे को, इंजन को भाई इनविजिबल करना है। भाई क्या सीन है, इनविजिबल हो जा भाई, भाई क्या मसला हो गया। अब अच्छा भाई बॉडी चाहिए, हाँ ठीक है। इंजन इंजन ब्लॉक V8 का चाहिए मेरे को, अबे गलत लिख दिया यार, ब्लॉक की स्पेलिंग के अंदर थोड़ी सी फॉल्ट आ गया, BLOC, ठीक है भाई ब्लॉक आ गया। और यहाँ पर मेरे को चाहिए, अच्छा अबे इतने सारे जो मैंने परचेज करे थे वो तो लगा ही नहीं, बाकी सारा कुछ लग गया इसके अंदर। गाइस अब चेक करते हैं इसको इनविजिबल करके, हाँ ठीक है अब इसको लगा के चेक करते हैं भाई, बॉडी अब तो लग जाए, अभी भी देयर इज नो आइटम। अबे भाई कौन सा वाला इंजन ब्लॉक V8 OHV का चाहिए भाई यहाँ पर,
वापसी से टेबलेट करने जाना पड़ेगा। इतने सारे इंजन की मैंने पार्ट्स को जो परचेस करा उसके बाद भी अभी कुछ ना कुछ कमी रहेगा, ये यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई। ओ एच वी का इंजन का पार्ट्स कहाँ गया भैया? ये रहा ठीक है। अबे इतनी देर करने जाके साला आया हमारे $11,552 यहाँ पर रह चुके हैं और इसको माउंट कर लिया हमने। चल मेरा भाई अब ओ ये आ गया भाई, 100% बॉडी। अब थोड़ा सा भाई इंजन नजर आना स्टार्ट हुआ। अबे फिल्टर भी नहीं हमारे पास, फिल्टर के अलावा हमारे पास पावर ये भी भाई पुराना पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमने इंजन क्रेन के अंदर से निकाला था ये वही वाली उसी का पड़ा हुआ है, तो इसको भी चाहिए ये कैसे लगेगा भाई। यहाँ भी ये भी नहीं है। अबे क्या क्या परचेस करा था जो इतना, तो इसके अंदर काफी कुछ तो है भी नहीं। अबे इग्निशन भी नहीं है, इग्निशन कॉइल नहीं है इसके अंदर, और यहाँ पर अच्छा ये तो शुगर हैगा भाई। इसके दोनों नट जो हम जल्दी से टाइट कर देते हैं। इसके अलावा और क्या भाई इसके अंदर? ऑयल फिल्टर। अबे ये भी पुराना पड़ा हुआ भाई, मेरे को नया चाहिए, पुराना नहीं लगाना क्योंकि मेरा खुद का नया इंजन बनाना पड़ेगा। पुराना इंजन बनाऊंगा मजा नहीं करेगा भाई। इसके अलावा और क्या क्या रह गया? ओह ऑयल फिल्टर भी लगेगा। अबे ये तो ऑयल फिल्टर तो वाकई के अंदर ये भी नहीं है। अबे इतना सारा जो हमने भाई चीज़ें परचेज की थी वो कहाँ गई है हमारी? अबे ये भी नहीं है क्या? अबे क्रैंकशाफ्ट भी नहीं है, क्रैंकशाफ्ट भी नहीं है, इसको भी परचेज करना पड़ेगा। तो जल्दी से फटाफट से टेबलेट करना चाहता हूँ, सारा कुछ सोच के जो जहन में मैंने रख लिया क्या क्या लेना पड़ेगा। जल्दी से एक चीज़ दो जो मैंने जहन में जल्दी से क्रैंकशाफ्ट लिख लेता हूँ। ये तो मेरे जहन के अंदर ही क्रैंकशाफ्ट V8 का मैंने ले लिया भाई। ये वाला लग जाएगा तकरीबन, ये वाला लगेगा। एक आधियाला ले लेते हैं और F-Fertile का भी ले लिया। चल मेरा भाई अब लगा के चेक करते हैं, इसको चेक करने में लग रहा है नहीं लग रहा है भाई। इसको इनविजिबल हमने कर लिया और सबसे पहले तो इसको अंदर की क्रैंकशाफ्ट लगाते हैं क्योंकि हमने अभी क्रैंकशाफ्ट को परचेज किया। हाँ भाई ये वाला लग गया ठीक है। अबे इसके अलावा भाई ये भी काफ़ी सारे चाहिए, इसके लिए मेरे को पिस्टन चाहिए, पिस्टन विथ कंट्रोल। ओ भाई पिस्टन चाहिए, पिस्टन के अलावा और क्या चाहिए भाई? पिस्टन विथ कॉर्नरोड। अच्छा भाई पिस्टन विथ कॉर्नरोड है तो उसका नाम मैंने जहन में रख लिया, इसको भी जल्दी से परचेज करते हैं। काफ़ी सारे मेरे को लेने पड़ेंगे तकरीबन मेरे हिसाब से, तो चेक करता है। पिस्टन विथ कॉर्नरोड आ गया भाई, ये रहा स्टार्ट वाला, ये इसको हमने परचेज कर लिया। इसको भी परचेज कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर तो कोई सा भी लग सकता है कि वापसी में आ नहीं सकता, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। इसको माउंट कर लिया और भाई लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा लगेगा इसके अंदर। ये वाला लग रहा है, देयर इज नो आइटम। हाँ ये रहा ना, आ गया ना पिस्टन विथ कॉर्नरोड लगाना था इसके अंदर। अबे आ गया ये रहा भाई। अच्छा इसका एक और पार्ट्स मिस हुआ हुआ लग रहा, देयर इज नो आइटम नो वर्क। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट मिस भाई मिस हुआ हुआ इसके अंदर से? इंजन विथ कॉर्नरोड तो हैगा भाई, ये क्या सीन है? क्लिक तो कर दिया भाई, ये बोल रहा है एक पार्ट इसका कोई मिस हुआ हुआ, वो कौन सा पार्ट है जो मिस हुआ हुआ? साला मेरी आंखों के सामने से कहा गया भाई ठाकुर। अबे आजा भाई आजा आजा, कहाँ गया यार ये पिस्टन विथ कॉर्नर? यार स्पेलिंग तो बिल्कुल भी ठीक है, देयर आर नो आइटम टू वर्क विथ पार्ट नीडेड। यहाँ पे मेरे को किसी पार्ट की जरूरत पड़ रही है भाई, कुछ सोचना पड़ेगा। वापस टेबलेट के अंदर गया हूँ मैं और यहाँ पे मेरे को पिस्टन रिंग, अच्छा पिस्टन रिंग चाहिए था। ठीक है ठीक है, पिस्टन रिंग मेरे जहन में आ गया, पिस्टन रिंग लगता है इसके अंदर। तो पिस्टन अब लगा के चेक करते हैं हम इसको भाई। पिस्टन विथ कॉर्नरोड के साथ जो है इसका रिंग भी लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग जो हमने लिया था स्प्रिंग लगा के चेक करते हैं भाई। यहाँ पर हाँ भाई स्प्रिंग था, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने एक को तो फिट कर दिया, इसी तरीके से मेरे को सारे फिट करने पड़ेंगे। और मेरे पास अभी पिस्टन विथ कॉर्नरोड तो है भी नहीं क्योंकि मैंने अभी एक ही परचेस किया था। तो भाई अब मेरे को पता चल गया हाँ भाई काफ़ी सारे चाहिए, तो मैं क्या करूँ पिस्टन रिंग भी पहले काफ़ी सारे स्टार्ट के अंदर परचेस कर लूँगा। तो भाई 7-8 मैंने 8 ले ली तकरीबन मैंने अपने हिसाब से। और पिस्टन विथ कॉर्नरोड भी मेरे को लिखना पड़ेगा, पिस्टन विथ कॉर्नरोड आ गया ठीक है भाई। ये वाला लगाना पड़ेगा, इसको भी 7-8 ले लेते हैं क्योंकि एक आईडी के हिसाब से मैंने ले लिया। मेरे को आइडिया नहीं है कि भाई कितने लगने वाले हैं इसके अंदर, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसके अंदर जो लगने हैं ना तकरीबन 8 तो लगेंगे क्योंकि 4 ये 4 उससे हट के तो 8 हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से फटाफट से फिक्स करते हैं भाई, अपने वहाँ इतना सारा आ गया यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, तो इसको भी हमने फिक्स कर लिया। चल मेरा भाई इसको भी फटाफट से भाई, जब हम फिक्स कर रहा होता ना हाथ माशाल्लाह तो मैं भाई का बड़ी स्पीड के अंदर चलता है, लेकिन जब सामान को परचेस करना होता तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है भाई। ये क्या मांग रहा दिया नो वर्क। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले चाहिए होगा इंजन ब्लॉक का, मेरे को वो चाहिए होगा। और फ्राई व्हील मैंने शुगर परचेस किया हुआ है भाई। ये क्या है कि क्लच प्लेट। चल भाई क्लच प्लेट अभी पुरानी वाली क्यों लगा दी भाई, हाँ नई वाली लगानी थी मेरे को तो। ठीक है इसको भी फिट कर दिया, इसको सारे नटों को जल्दी से टाइट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे ये क्या लग गया, क्लच प्लेट को वापसी से निकालना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मैं लग रहा मेरे पुराने नहीं लगा दिए। इसको माउंट कर लिया मैंने, इसको वापसी से भाई निकालना पड़ेगा। बाहर आ जा भाई बाहर आ जा। नहीं 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 यार ये नहीं चाहिए मेरे को। चल भाई जल्दी टाइट ही कर देना, हो सकता है ये मेरे को फॉल्ट लग रहा भाई, ये फॉल्ट लग रहा। थोड़ा फिर बाहर आता हूँ मैं,
इसमें मेरे को एक गलती लग रही है, मेरे लग रहा है कि मैंने पुराना वाला लगा दिया नई के बजाय। अब इसको खोलना, हाँ इसको निकाल लिया, इसको भी निकाल लेते हैं फ्राई व्हील को। हाँ ये रहा ये फ्राई व्हील, हाँ क्लच प्लेट हमने जो मुझे लग रहा था पुरानी हमने लगाई है। हाँ मेरे पास क्योंकि है नहीं, तो मैंने बोला यार गलती से लगा कैसी थी, तो मैं और भी क्लच प्लेट परचेज करने पड़ेगी। यहाँ पर जल्दी से लिखता हूँ क्लच CLUTCH क्लच। चल भाई आ जा, क्लच प्लेट कहाँ पर है, क्लच प्लेट, क्लच प्लेट ये रही, ठीक है याली भी हमने परचेज कर लिए। देखते हैं भाई इसके अंदर से कोई लग रही है क्या, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है ना कौन सी लगने वाली है हमारे पास, इसको ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये नहीं भाई, यारी लगेगी, अब इसको लगाएंगे, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारी चीज़ हमने नहीं लगाई, सारे नटों को जल्दी से यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। चल भाई आला भी लगा लिया, आला भी कर लिया। इसके अलावा अब हमारे पास क्या रह गया भाई, यहाँ पे तो और क्या रह गया भाई, भाई सारा कुछ नजर आ जाए, एक भी चीज़ मिस हो गई, हमारी कार स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ा पंगा करेगी कार स्टार्ट होने के अंदर। यहाँ पर पिस्टन मीट कॉन्डेट के अंदर फिर से आ जाते, देखिए यहाँ पर भी मेरे को जरूरत पड़ रही है, शुक्र है मैंने वहाँ पर ज़्यादा कब परचेज कर लिए थे। चल भाई आ जा भाई, कहाँ गया, थोड़ा सा बॉडी को मूव करना पड़ेगा इसकी, ठीक है बस भाई इतना मूव हो जाए इतना काफ़ी है भाई। इसको भी हमने परचेज कर लिया, इसको भी लगा दिया, इसको भी फिट कर लिया, शाबाश। इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इसको भी जल्दी से फिट कर लेते हैं। ओहो स्प्रिंग है ना, शुक्र है भाई स्प्रिंग हमारा पास है, तकरीबन हमने साथ ही परचेज करे थे, कम नहीं परचेज। इंजन हेड चाहिए मेरे को अभी V8 का, इंजन हेड को लेने के लिए जल्दी से टेबलेट करने जाता हूँ फटाफट से। यहाँ पर लिखता हूँ इंजन ENGINE इंजन हेड। चल मेरा भाई इंजन हेड आ जाओ भाई जल्दी से, V8 का चाहिए मेरे को। अब यहाँ पे तो बहुत सारे इंजन हेड आ गए, कौन सा यूज होने वाला भाई पता नहीं कैसे चलेगा मेरे को। यार दो परचेस कर लेते, इस साइड पे लगाना है कुछ, साइड पे दोनों तरफ लगाना पड़ेंगे, तो गाइस देखते कौन सा है जगह का है ये फिल वक्त। अबे भाई माउंट हो जाए, ठीक है यहाँ पे अच्छा दोनों आ गए, दोनों नजर आ रहा है। अबे इतने सारे नट्स हैं इसके, इन सारे नटों को भाई टाइट करना पड़ेगा। चल मेरा भाई जल्दी से फटाफट से जा भाई अंदर जा, जल्दी जा जल्दी जल्दी भाई, हाथ तो भाई का बड़ी स्पीड के अंदर चलता अपना। अबे अबे ये भी लगेगा, ये भी लगेगा हमारा भाई, ये भी पुराना पड़ा हुआ है, ये क्या नाम है इसका एग्जॉस्ट, भाई इसको चेक करते हैं, ये काफ़ी खतरनाक वर्ड लग रहा था मेरे को, इसको चेक करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे इसको भी लगा लेते हैं, ये भी हैगा, शुक्र है भाई, आलन नट को भी टाइट कर लेते हैं। ये ले भाई तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा भाई अंदर, जल्दी जा जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। तो सारे नट तकरीबन हमने इसको फिक्स कर लिया भाई। ये क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए एंटैक मैनिफोल्ड 1 कर्व का चाहिए, ठीक है ना भाई, जहन में रखना पड़ेगा, नाम रखना जहन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई, फटाफट से आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, आप टेबलेट के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे को अभी सर्च करना पड़ेगा इंटेक मैनिफोल्ड, भाई मैनी की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी, इंटेक इंटेक करके लिख दिया भाई मैनिफोल्ड, ठीक है स्पेलिंग तो नज़र आ गई है। इसको मैंने परचेज कर लिया, तकरीबन शायद यही लगेगा। अब लिख लेते हैं इग्निशन, क्योंकि इग्निशन कॉइल मेरा एक मिस हो गई थी, इग्निशन कॉइल ये, ठीक है इग्निशन कॉइल भी मैंने ले ली है। इसके अलावा और क्या चाहिए भाई, इग्निशन कॉइल, यार यहाँ पे काफ़ी सारी आ रही नज़र, ये क्या चीज़ है, फिल्टर है, इग्निशन कॉइल है ये, तो ठीक है। अब इसके अंदर तो कोई चीज़ भी हो सकती है, मैंने ये भी परचेज कर ली है, इसको भी फिर मतलब जो चीज़ें मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं उसको भी परचेज कर रहा हूँ कि मेरे को भाई ज़रूरत ना पड़े, वापसी टेबलेट में आने में जो है ना मौत आती है, टाइम ज़ाया होता हमारा ना, हमको पता चल जाना कि भाई ये सामान इसके अंदर ये पार्ट लगते तो फटाफट से हम क्या करेंगे उसको परचेज करके बस फिट करने वाली करेंगे, इतना टाइम होगा ही नहीं हमारे पास। चल भाई इसको भी मैंने परचेज किया, तो ये भी लगा देते हैं भाई, 6 नट इसके अंदर भी लगे हैं, ठीक है भाई उस साइड तो नहीं है ना कोई नट। ये क्या लगेगा भाई, कार्बन, ठीक है ये भी शुक्र हमने परचेज वहीं पर अभी करा ही था, ताज़ा ताज़ा हमें पता भी नहीं था, आईडी के हिसाब से मैंने इसको परचेज किया था। ये क्या लगेगा, ओह ये है नहीं राउंड एयर फिल्टर बेस, ये भी मेरे को चाहिए, तो ये मैंने को परचेज करना पड़ेगा फटाफट से। आ जाओ भाई राउंड एयर, मैंने जहन में रखा हुआ राउंड एयर फिल्टर, आ जाओ राउंड एयर फिल्टर कहाँ है, कौन सा लगेगा भाई इसके अंदर से, फर्स्ट वाला ले लेते हैं और अपने आईडी के हिसाब से 11 भी ले लेते हैं भाई, इसके अंदर से कोई सा भी एक अच्छा सा ले लेते हैं, ठीक है भैया इनमें तो कोई सा भी लग सकता है, मेरे को आईडिया नहीं है ना भाई, अभी कोई सा भी हम चेक करने ट्राई करते हैं, तीनों में से कोई ना कोई तो लगेगा ही लगेगा। और अभी हमारे पास $7,000 बचे, काफ़ी कम रकम है, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को परचेज भी करनी है, तो पैसे भाई मेरे पास कम नहीं पड़ जाए, मसला हो जाएगा। चल भाई इसके ऊपर अभी एक और भी लगेगा क्या, शुक्र हमने इसको भी परचेज कर ही लिया था, बच गया भाई। और ये क्या राउंड एयर, ये तो मेरे को लेना पड़ेगा राउंड एयर फिल्टर कवर चाहिए, अब इसका कवर लेना पड़ेगा, अब कितना कुछ लगाओ इसके ऊपर भाई देख लो भाई, एक इंजन को बनाने के लिए कितना कुछ हमें यानी कि लगाना पड़ता है। इसके राउंड एयर फिल्टर मैंने लिख लिया फटाफट से, राउंड एयर फिल्टर कवर आ जाए भाई, ये वाला फर्स्ट वाला कवर है, ये वाला तो मेरे जहन में है कि यही लगेगा, क्योंकि जो शेप उसके अंदर बना हुआ आ रहा था ना तकरीबन मेरा हिसाब से वही लगना था इसको,
तो इसलिए मैंने एक पक्के वसुख के साथ मैंने इसको ले लिया। मेरे को पता ये वाला लगेगा 100%, ठीक है ना। मेरे को पता था, देखो एक ना डे लगा के हमने चल भाई इंजन हेड को तो पूरा काबू कर लिया अच्छी तरीके से। इग्निशन कॉइल जो हमने परचेज की थी मैंने इसको भी लगा लिया। इसके अलावा भाई अब क्या चाहिए मेरे को, एग्जीबिशन मैंने फोल्ड जो वी एट का मैंने लिया था भाई, लिया नहीं था, इसको परचेज करना पड़ेगा। अभी तक तो मेरे ख्याल से मैंने इसको लिया भी नहीं है। एग्जिस्ट लिखते हैं भाई, ई एक्स एच ए यू एस टी, आजा भाई आजा आजा, इसके अंदर कोई ना कोई तो आजा। मैनी फोल्ड वी एट का चाहिए भाई, कोई है नहीं। अच्छा स्पेलिंग गलत कर दी क्या, मैनी फोल्ड आ गया भाई आ गया। इसके अंदर से कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा भाई, इसके अंदर से वी एट का कौन सा है भाई, भाई सारा वी एट के नज़र आ रहे हैं। ओ एच वी का इसके अंदर से कौन सा है भाई, ओ एच वी का कौन सा है इसके अंदर से, ये सारे भाई वही लग रहे हैं मेरे को ये। इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। हाँ ये ओ एच वी का तो ये वाला था, हमने इतना सारा परचेज किया फालतू के अंदर भाई। इसको जल्दी से फिक्स करते हैं, चल भाई आजा। ये वाला लगे, बस मेरे को पता था ना ये वाला था, हमने इतना सारा फ्री के अंदर परचेज करे यार, फ्री मैंने सॉरी पैसे के अंदर परचेज करा है। इसको एक बाद में सेल कर देंगे, अभी टेंशन है नहीं, पैसे तकरीबन जब तक हमारे पास हैं तो जब तक हम जो है अपने पार्ट्स को परचेज कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो हम फालतू पार्ट्स को जो है सेल कर देंगे, ताकि फिर हमें पैसा चाहिए। तो अभी यहाँ पर ऑयल फिल्टर चाहिए पड़ेगा मेरे को, तो फिल्टर एक और चाहिए। फिल्टर को लिखते हैं पावर स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग पंप भी चाहिए था मेरे को। इसको मैंने फटाफट से भाई कांगिया इसके अंदर से ओ एच वी का चाहिए भाई। ये राइए वाला ही है 100% यही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना भाई, यहाँ पे सारे एक ही किस्म के हैं, ठीक है भाई। अब मेरे को एक एक अच्छा सा नाम देखना पड़ेगा, यानी कि नाम जो जो चीज़ मेरे को चाहिए ना परफेक्टली वही लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं और दूसरी चीज़ को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे पास जो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर मैं फालतू के अंदर यूज पेमेंट को ज़्यादा करता रहा तो मेरे को परेशानी हो जाएगी। अब भाई अभी भी नहीं आया पावर स्टेयरिंग, चलो इसको फ्यूल फिल्टर को तो लगा दें पहले फटाफट से, इसको देखते हैं भाई। ये भी नहीं है मेरे पास, रॉड चाहिए और भाई पावर स्टीयरिंग पंप चाहिए वी एट का, और ये है क्रैंकशाफ्ट वी एट का ओ एच वी की चाहिए, ठीक है। नाम याद रख लिए, दोनों को नाम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जहन से नहीं निकल जाए जल्दी से। पहले फटाफट से मैं पावर स्टीयरिंग पंप मैंने यहाँ पर जल्दी से लिख लिया, और वी एट का भाई इसके अंदर तो कौन सा हुआ, ये रहा ये वाला है। अब तो 100% यही है, अगर ये नहीं हुआ ना इसमें इतने चिम्बे मारूंगा बता रहा हूँ। क्रैंकशाफ्ट, अबे भाई क्या हो गया, कैम शाफ्ट आ जाए, कितने सारे कैम शाफ्ट आ गया भाई यहाँ पे, कौन सा वाला लगेगा आइडिया नहीं है, नो आइडिया भाई। वी एट का चाहिए पड़ेगा मेरे को तकरीबन कैम शाफ्ट, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं अच्छी तरीके से मैं लिख लूँ, अगर मैं दूसरी चीज़ परचेज कर ली ना मेरा टाइम यूँ वेस्ट होगा फालतू के अंदर जो है ना। कैम शाफ्ट वी एट का चाहिए ओ एच वी, ठीक है। अबे ओ एच वी लिखना था यार, ओ वी एच वी लिख दिया, शिट यार क्यों टाइम वेस्ट होना मेरा फालतू के अंदर। चल भाई आ जाए तू, ऐसे ही आ जा भाई, ओ एच वी ओ वी एट लिख देना, बहुत है मेरे ख्याल से ना, इतना भी काफ़ी है। कौन सा भाई इसके अंदर से, ये रहा ये भी एक, इसको भी ले लेते हैं एक आई डी के हिसाब से भाई, इसको भी एक आध को परचेस कर ही लेते हैं भाई, एक दो और क्योंकि सस्ते हैं ये, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम पैसा फ्री के अंदर लगा भी दें तो कोई मतलब टेंशन नहीं है एक। हाँ भाई ये रहा ये है ओ एच वी का, तो ठीक है भाई ओ एच वी का इसको फिट करते हैं फटाफट से ना। कांगिया आ जा भाई आ जा, ओ हो ये तो ये रहा भाई पावर स्टीयरिंग, तो ये तो फिक्स था, इसको भी फिक्स कर लिया भाई। ये रहा कैम शाफ्ट, ये भी हमें मिल गया 100%, ये भी ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, अबे क्या क्या रह गया भाई, कैम गियर रह गया भाई, वी एट ओ एच वी का चाहिए कैम गियर, ठीक है भाई। ये भी लिखते हैं कैम जी ई ए आर गियर, यार भाई हाथ तो माशाल्लाह भाई का बड़ी स्पीड के अंदर चल रहा है इस वक्त तो, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो को बनाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा ना फ्री के अंदर क्या फ़ायदा, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से कैम गियर भी आ जा भाई, कोई मेरी कार मेरे इंजन वाला मिला भाई, इतना सारा आगा भाई, कितनी सारी कार्स हैं जो इतने सारे सारों के अलग अलग जो है ना कैम शाफ्ट आए हैं इसके अंदर ना भाई। कैम गियर हर किसी का अलग अलग है, तो भाई यहाँ पर हमारा ओ एच वी का जो है इंजन का ये वाला अलग से लगेगा भाई, अभी भी नहीं आएगा। कैम गियर वी एट का चाहिए ओ एच वी का, अभी भी नहीं आया भाई, यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा यार, इतना टाइम वेस्ट होता है क्या भाई, एक इंजन को बनाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, मेरी समझ से बाहर है। जब रियल के अंदर कोई बनाएगा कार को तो उसको पता नहीं कैसे याद रहता होगा भाई। भाई ये वाला है 100% ये वाला, इसको भी ले लेता, तो इसी दो ही आए थे तो दोनों को हमने ले लिया। $5,000 अभी भी हमारे पास हैं, कोई टेंशन नहीं है, तकरीबन हमारा इंजन आधे ज़्यादा रेडी हो चुका है, और भाई ये भी हो ही जाएगा भाई।
ये क्या है भाई, इग्निशन अभी भी है भाई, काफी कुछ रह गया भाई करने के, काम बहुत है अभी भी इसके अंदर ना। इग्निशन इसको भी ले लिया भाई, ये चाहिए। और इसके अलावा और क्या परचेज, पहले तो हमने इसको फिट कर लिया था, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या, जो भी चाहिए होगा बाद में लेते रहेंगे, टेंशन है ही नहीं भाई। ओहो चल भाई जल्दी से, अभी भी ये भी नहीं है क्या, अबे कितने आइटम्स लगे हैं इसके अंदर, अबे इंजन है क्या, पूरी तोप है, पूरी कार बना रहे क्या हम एक इंजन के अंदर भाई। इग्निशन इग्निशन डिस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर, अबे डिस्ट्रीब्यूटर था, डिस्ट्रीब्यूशन था, मिस्टेक लग रही है, ट्राई कर लेते हैं भाई। यार डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर ही है, ठीक है 100% डन है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर ही है। इसके अंदर तो कौन सा चाहिए होगा अभी, एनी नो आइडिया, तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर, कोई ना कोई फिट करके चेक करते, कोई ना कोई तो लगेगा लगेगा भाई। एक इंजन को बनाने के अंदर भाई काफ़ी पसीना आने लग गया मेरे को भाई, इंजन फिट होकर नहीं दे रहा, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या मांग रहा है ये। अच्छा स्पार्क प्लग चाहिए भैया, स्पार्क प्लग लगेगा इसके अंदर, और जल्दी से यहाँ पर स्पार्क प्लग सर्च कर लेते हैं भाई। अपना टेबलेट भी काफ़ी अच्छा बना है, जो फास्ट काम कर रहा है। इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को पहले तो वापसी देखता हूँ, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था ना वो मेरे को मिला नहीं है अभी भी। इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर रोड करके मेरे को लिखना था, चल भाई ये रहा, ये वाला ही है। चल भाई यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा स्पार्क, भाई आर कहाँ गया, ठीक है आर भी आ गया, स्पार्क प्लग, जब आर आ गया तो गाइस स्पार्क प्लग भी आ जाएगा, ठीक है। इसको 8-9 के करीब मेरे को परचेज कर लेता हूँ, 10 तो मैंने ले लिए, इसको देखते हैं भाई कितने लगेंगे, क्योंकि जब इस साइड लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस साइड भी लगेंगे लगेंगे, तो ज़्यादा परचेज कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। चल भाई अब ये भी लग गया, अब ये क्या मांग रहा है, ओ ये भी शुक्र है भाई अपने पास है, ये भी हमने पहले परचेज किया हुआ था, तो कोई अभी प्रॉब्लम इतनी है नहीं मेरे को, ये सारी चीज़ें अभी भी क्या मांग रहा है। ओहो क्वाइल भी, चल भाई ये भी हमने फिट कर दिया, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, कुछ रह तो नहीं गया, सारी जगह माउस हिला के, ओ भाई ये भी रह गया, ये क्या सीन है, देयर आर नो आइटम टू वर्क विथ, ये क्या सीन है भाई। सबसे पहले तो स्पार्क प्लग को फिट करते हैं, जितने भी स्पार्क प्लग हैं सारों को लगाते हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है, अबे इतने सारे स्पार्क प्लग काम करते हैं एक कार के अंदर, अबे हमारी बाइक के अंदर तो एक ही लगता है भाई, और हमारी क्या पूरी पाकिस्तान की बाइक के अंदर तकरीबन एक ही लगता है भाई। कार के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतने सारे यार इसके अंदर स्पार्क प्लग यूज होते हैं भाई, जबरदस्त हो जाएगी, जब तो कार यार इतनी स्पीड के अंदर चलती है, जब लोग कार के फैन है भाई, कार ने वाकई में एंड कर दिया, इतने आइटम्स ले लेके घूम रही है कार। और ये क्या चाहिए भाई, देयर आर नो आइटम, ये भी हमारे पास है नहीं, इसको भी परचेस करते हैं फटाफट से, अपनी टेबलेट के अंदर जाता हूँ मैं। चल भाई आ जा टेबलेट के अंदर से, यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा वी वेलवी, आ गए वेलवी की रोड आ गई है यहाँ पर, जल्दी से रोड ले लेता हूँ मेरे को यहाँ पे 7-8 मैंने आईडी के हिसाब से ले लिए, अगर और भी मेरे को जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पहले स्टार्ट पे लगाने पड़ेंगे जितने भी रोड है यहाँ पर, सारी रोडों को लगाना पड़ेगा, जब इस साइड है तो जाहिर सी बात है कि उस साइड पे रोड होंगी, यानी कि इस हेड के अंदर जो भी कुछ होगा तो जाहिर है लेफ्ट साइड के हेड के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा जरूर, आप यहाँ पर तो बहुत सारी रोड नजर आ रही है मेरे को, ठीक है भाई जल्दी जल्दी से लगाते हैं सारी रोडों को, इसको भी लगाते हैं भाई, 3, 4, अब कितनी सारी रोड है यार, क्या क्या लगाना पड़ रहा है एक इंजन के अंदर, 5वीं, ओहो ये क्या है, अबे रोकर आर्म भी चाहिए क्या, ओहो अबे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए अभी भी, रोकर आर्म लेना पड़ेगा, ये क्या सीन है भाई रोकर आर्म। स्पार्क प्लग तो इस जगह पे 4 लगे, तो 4 उस साइड में मैंने 8 ही लेते हैं, यहाँ पर रोकर आर्म, ठीक है यहाँ पे मैंने नाम जेहन में रख लिया इसका, जल्दी टेबलेट में आता हूँ, रोकर आर्म लिखता हूँ मैं, ROCKER रोकर आर्म ARM, ठीक है अबे आया नहीं क्या, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, रोकर और अच्छा सी नहीं लगाया था, ठीक है। ओह ये रहा फर्स्ट वाला, ये इसको 8-9 लेने पड़ेंगे मेरे को भी, एक आईडी के हिसाब से 8-9 ले लेते हैं, जो भी मेरे को और जरूरत पड़ी तो मैं फिर वापस इसको परचेज कर लूँगा, प्रॉब्लम नहीं है भाई, पैसा अभी भी है हमारे पास, $5,000 तो अभी हमारे पास हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रकम भी है एक हिसाब से, क्योंकि जो मैं पार्ट अभी परचेज कर रहा हूँ ना V8 के, तो वो काफ़ी सारे सस्ते पार्ट हैं, तो इसलिए हमारी पेमेंट को इतना कुछ असर नहीं हो रहा, भले हम 8-9 पीस खरीद रहे हैं लेकिन हमारी पेमेंट को कुछ भी असर नहीं हो रहा, सारी चीज़ें सस्ती सस्ती हैं V8 के इंजन के अंदर। और भाई इसको फिट कर लेता हूँ, और हर एक को फिट करने के लिए भाई एक नट कसना भी ज़रूरी है, ये भी जहन में रखना पड़ेगा। चल मेरा भाई इसके अंदर भी लगाना पड़ेगा, ये भी रह गया, अबे क्या क्या लगाना पड़ रहा है यार इसके अंदर, एक इंजन को बनाने में मेरा सर में दर्द होने लग गया भाई, अबे इंजन है पूरी तोप बना रहे हम, अब क्या रह गया, अबे एक और रोड रह गई अभी मेरे ख्याल से, अभी ग्रीन कलर का कुछ नज़र तो आया था मेरे को,
यहाँ पर भी कुछ रह गया लग रहा है भाई, कहाँ है यहाँ पे नहीं है, ये भी रोड काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे और कुछ है क्या भाई? भाई इस साइड में तो कुछ नहीं है। हाँ अभी यहाँ भी है तो अभी तो इंजन ब्लॉक V8 का चाहिए यहाँ पर, एग्जीक्यूट मैनिफोल्ड यहाँ पे भी एक चाहिए, स्पार्क प्लग यहाँ भी लगेगा, तो जो स्पार्क प्लग यहाँ पे लगाने में वो सारे को जल्दी से फटाफट से लगा दो, क्योंकि मैंने जो परचेज ज़्यादा करे तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं आराम से, मेरे को टेंशन है ही नहीं भाई। सारी रोड यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, रोड में लग रहा कम पड़ेगी मेरे पास, क्योंकि रोड की अभी क्वान्टिटी मेरे को काफ़ी कम है, ख़त्म भी हो गई सॉरी रोड मेरे पास ना। यहाँ पर एक और स्पार्क प्लग लगा देता, अभी 2 स्पार्क प्लग बच गए हैं, और भाई रोड तो अभी मेरे पास है नहीं, रोड लेनी पड़ेगी। इसके अलावा रोकर आम भी मेरे को लग रहा कम पड़ जाएंगे जब रोड कम पड़ गई, इग्निशन वायर्स भी चाहिए मेरे को। ठीक है भाई, 2-3 चीज़ें याद रख लेते हैं, इग्निशन वायर्स, रोकर आर्म और रोड चाहिए मेरे को भाई, इग्निशन वायर्स मेरे को लेनी पड़ेगी। अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है क्या? इग्निशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है इसको हटा दिया, इग्निशन वायर आ गई है भाई। इसके अंदर इतनी सारी वायर में से कौन सी वायर है, इसको भी ले लेते हैं यार, पेमेंट मेरे पास खत्म हो जाएगा अगर हमने फालतू में सारी परचेज करी, मसला हो जाएगा। हमने एक को तो ले लिया, देखते हैं, एक इसको भी ले लिया। अबे और तो कोई वायर नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि हमने 3-4 परचेज कर लिए हैं अपने आईडी के हिसाब से। और यहाँ पे वेलवी रोड में जो मेरे को चाहिए थी, यहाँ पे वेलवी रोड को भी और ले लेते हैं, और यहाँ पे 8-9 वापसी से ले लेते हैं, 7 के करीब मैंने ले ली है, क्योंकि जब वहाँ पे हमने 7 के करीब लगाई हैं तो जाहिर है यहाँ पर भी 7-8 ही लगने वाली होंगी, तो एक आईडी के मुताबिक हम जो काम कर रहे हैं। और हमारा इंजन देख रहे हो तकरीबन भाई सारा नया इंजन हो गया हमारा, यहाँ पे वायर फिट करते हैं। अब इतनी सारी वायर लेने के बाद अभी भी काम नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर इग्निशन वायर V8 की लेनी पड़ेगी। ठीक है, नाम मैंने परफेक्टली जो है मैंने चेक कर लिया, इग्निशन वायर्स V8 की चाहिए मेरे को। ठीक है भैया, V8 की कौन सी, इसके अंदर से ये रही। अब 2 वायर्स मैंने ले लिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और कहीं लगा देंगे, नहीं पड़ी तो छोड़ देंगे, वापसी सेल कर देंगे। हाँ भाई, दोनों आ गए थे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए थे, एग्जीब्यूल्ट का चाहिए था, ये तो चलो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वायर्स को फिट करते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी वायर्स ली हैं, सॉरी रोड जो हमने इतनी सारी ली हैं, सारी रोड को फिट करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा मुश्किल है भाई इंजन को अपना एक डेवलप करना भाई, ये इंजन मेरे को लग रहा बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया ये, ये सारे रोकर हम लोग को लगाने पड़ेंगे। तो गाइस अभी तो मेरे को कार को पूरा फिट भी करना है, जब एक इंजन को बनाने में इतना टाइम लग गया तो एक कार को फिट करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन भाई इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, रोकर मेरे पास खत्म होगा, इतने नहीं थे मेरे पास। रोड मैंने अभी तो परचेस करी है ताज़ा, तो मेरे पास रोड तो काफ़ी सारी क्वान्टिटी के अंदर हैं, रोकर मेरे पास ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मेरे को तकरीबन रोकर चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा एक दो ज़्यादा ही ले लेंगे भाई, पता चला कहीं और भी ज़रूरत पड़ रही है उसकी। और कहाँ लगेगी भाई रोड, और कहाँ लगेगी। ठीक है, यहाँ पर रोकर आम देखते हैं भाई, इसको बड़ी ख़तरनाक फिल्म है आज ये भी, ROCKERARM। ठीक है भैया, आ जा भाई, आया मैदान में, आ जा। 5 ले लिए, एक ऊपर ही ले लिए, वैसे चाहिए तो मेरे को 4 ही हैं। और यहाँ पर एग्जिस्ट मैनिफोल्ड, आ जा भाई, आ जा भाई, क्या स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी क्या? ये तो नहीं चाहिए भाई, एक आईडी के मुताबिक तो मुझे लग रहा है कि जो वहाँ पे वो शेप दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी शेप के पड़े हैं, एक आईडिया नहीं है कौन सा लगेगा। V8 का ले लेते हैं वापसी, टाइपिंग करते हैं भाई, देखते हैं V8 का मेरे को लेना पड़ेगा, एग्जिस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, V8 OHP का चाहिए मेरे को, आ जा भाई, आ जा। कौन सा इसके अंदर से, ये लग रहा है मेरे को राइट साइड का जो ना, ये लग रहा है एक आईडी के हिसाब से, मैंने इसको भी ले लिया। जब सारी चीज़ हम आईडी के हिसाब से कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ है, ओह भाई ये भी फिक्स था, परफेक्ट लिया था हमने भी ना। ठीक है भाई, इसमें भी इतने सारे नट लगे रहे हैं क्या, अबे क्या इंजन है, क्या पूरी भला आई है। रोकर आम हमने काफ़ी सारे हमने ले लिया, इसको 5 हमने जो क्वान्टिटी के अंदर इसको ले लिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। और हर एक रोकर आर्म के साथ आपको सभी को पता नट की जो है हमें ज़रूरत है। चल मेरा भाई, अब कितना रह गया भाई, चल मेरा भाई जल्दी जल्दी हाथ घुमाना पड़ेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो चुका है हमारा, इतना कुछ कर लिया उसके बाद भी मेरा इंजन में लग रहा है अभी भी काफ़ी कुछ लगाना है। जो छोटे मोटे आइटम जो मेरे को अभी तो चेक करने पड़ेंगे, कुछ रह तो नहीं गया। इंजन हेड कवर भी चाहिए मेरे को,
भाई बी कौन सा है इसके अंदर से, बी 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 ए वाला ये रहा, ये भी बी तो है लेकिन ये किसी और कंपनी का है। इंजन हेड कवर बी बी, भाई यहाँ पे बी तो काफी सारे वैसे आ तो रहे हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि भाई जो इस कंपनी का मेरे को चाहिए ओ एच वी इंजन का वो नहीं है इसके अंदर से, मेरे को नजर नहीं आ रहा, वापसी से एक दफा चेक करना पड़ेगा। वी एट ओ एच वी का लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई यहाँ पर, ओ एच वी इंजन हेड कवर वी एट ओ एच वी का, ठीक है मैंने देख लिया। गाइस यहाँ पर इंजन बनाते बनाते मेरे को हवा खुश्क हो गई है और अब मेरे को जो सर में भी दर्द होने लग गया, मैंने बोला भाई इंजन है क्या चीज़ है ये। ओ भाई ओ एच वी, ठीक है आ गया बी और ओ एच वी का, अब देखते हैं कौन सा भैया ला, ये ला साला बड़ी मुश्किलों से मिला मेरे को, इनने जो है दिमाग खराब कर दिया, बड़ा महंगा पड़ गया यार इंजन मेरे को, ये वाला लगेगा। चल मेरा भाई सारे नटों को भाई यहाँ पर भी टाइट करना पड़ेगा, ठीक है इसको भी टाइट करते हैं, इसको 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 इसको, चल मेरा भाई आई एम आई डिस्को और यहाँ सब खिसको। और क्या रह गया भाई सारा का, थोड़ा सा माउस के जो तीर को थोड़ा सा हिला हिला के चारों तरफ से जो है चेक करना पड़ेगा, कहीं से ग्रीन अगर मेरे को नजर आता तो समझ लो कुछ इसके अंदर। ओ भाई यहाँ पर ग्रीन नजर आ रहा है, ये क्या सीन है। ओ ये रहा एक यहाँ पे रोड का मिलेगा, अच्छा रोड नहीं है मेरे पास, यहाँ पे क्या लगेगा इंजन का, हाँ ये रहा वेल भी रोड। अब कितनी रोड चाहिए, अभी तो मैंने इतनी सारी परचेज की थी, ये भी खत्म हो गई क्या यार। यहाँ से मेरे एक और इंजन हेड कवर जो चाहिए था मैंने एक और ले लिया, क्योंकि मेरे को लगाना पड़ा था और मैंने अभी बी वाला लिया, अब गलती कर दी मेरे को, ए वाला चाहिए था, वेल भी रोड मैंने ले लिया, वेल भी रोड लगाते हैं उसके बाद देखते हैं मेरे को जो सारा क्या प्रॉब्लम आ गई यार। ये इंजन ने भाई जिंदगी तेल कर दी है मेरी तो। दही यहाँ पर क्या रहे? एक और रोकर आर्म चाहिए क्या, अब रोकर आर्म एक और खत्म हो गया। अब क्या कर रहा है यार ये भाई, इंजन में कितना आइटम लगेगा मेरी तो यार जिंदगी इसने तेल कर दी। आर ओ सी के ई आर जल्दी जल्दी साहब यार, भाई इंजन बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा मेरे को, मेरे पास $4,000 रहेगा। इसके पार्ट्स तो काफी सारे सस्ते हैं लेकिन यार इसको लगाने के अंदर बहुत सारे आइटम है जो लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा जूम भी कर लिया इसको, और क्या क्या चीज़ होगी भाई इसमें कमी रह चुकी है, थोड़ा सा इसको चेक करना, ठीक है कह रहा है नज़र आ गया, तो जूम करके चेक करा तब जाके नज़र आया, वैसे साला नज़र ही नहीं आ रहा था। अब चाहिए इंजन हेड कवर, अबे यार बी वाला ले लिया था, ए वाला चाहिए था मेरे को, अब फिर से मेरे को सर्च करना पड़ेगा ई एन जी आई एन ई इंजन हेड कवर ए वाला चाहिए और वी एट का चाहिए और ओ एच वी का पूरा नाम लिख दिया। अब आ जा भाई, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा अबे ये कौन सा बी है, ये तो ये भी नहीं है, 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 ये रहा भाई ये रहा ये वाला है भाई। अब ये इसको लग जाना चाहिए वरना बता रहा हूँ इसमें इतना चंबे मारूंगा ना पूरा इंजन निकाल के फेंक दूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर भी 8 नट लगेंगे, सारे नटों को टाइट कर दिया आपके सामने, अच्छा खासा इंजन पूरा मेरा नया चमकता हुआ शाइनिंग वाला इंजन रेडी हो चुका है, मतलब अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, मतलब के कुछ जब जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, अब ये है कि हमने उसको ऐसा कर दिया कि नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ हमने इसके अंदर जो पार्ट्स लगा दिए हैं एक इंजन को भाई फिक्स करने में, यार हवा खुश्क हो गई है मेरी तो। यहाँ पर अगर देखते हैं और कुछ ग्रीन कलर का कुछ अगर नज़र आ जाता है तो चेक करते हैं, राइट साइड पर तो कुछ है नहीं, लेफ्ट साइड पर चेक करते हैं और क्या सीन है, यहाँ पर कुछ रह गया क्या भाई, यहाँ पे कुछ रहता नहीं गया इसके अंदर। इन्वेंटरी सेटिंग मोड टैबलेट पार्ट्स ऑर्डर, भाई यहाँ पे तो इसको रोटेट भी तो करना है ना, रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट का मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा यार, रोटेट तो इसको करते थे कैसे करते थे, ठीक है हाँ यारा यारा स्टेन को रोटेट करना था, मैं जो है ना इंजन को रोटेट कर रहा था, ठीक है राइट साइड मैंने इसको रोटेट कर लिया भाई, देखते हैं बैक साइड यानी कि इसके नीचे वाले हिस्से के अंदर कुछ चीज़ तो मिस नहीं है। ओ हो यहाँ पे ओ हो रोड केप चाहिए, रोड केप लगेगी और यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सारी रोड केप की ज़रूरत है। ओ हो यहाँ पर भी है, अबे नीचे तो काफ़ी सारा आइटम्स रहेगा जो अभी हमने लगाए नहीं है, अभी तो हमने ऊपर का ही इंजन को रेडी किया है, अभी तो नीचे भी पूरे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है इन सारे पार्ट्सों को फिट करते हैं भाई जल्दी जल्दी से। यहाँ पर जल्दी टेबलेट करने जाता हूँ, रोड केप का नाम मैंने याद रखा हुआ है आर ओ डी रोड सी ए पी, ये तो इजी सा नाम था, इसके अंदर रोड केप मेरे को काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे, 8-9 मैंने ले लिए एक आईडी से लिए, और बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। कैम शाफ्ट बेयर
ठीक है, ये वाला चाहिए क्या? कौन सा लगेगा भाई? ये वाला लगेगा क्या? इसको भी 8-9 ले लेते, क्योंकि 7 मैंने ले लिया इसके अंदर से, देखते हैं अगर जरूरत पड़े तो फिर ले लेंगे। रोड के भी लगाते हैं जल्दी से। अबे इसके भी 2 नट है क्या? अबे कितने के सारी चीज़ें नटों से कसी हुई इंजन के अंदर भाई। चलो अबे इसके भी 2 नट हैं। अबे रोड रोड केप के भी 2 नट हैं। तो गाइस दूसरी चीज़ के भी 2 नट हैं यहाँ पर एक है। अच्छा क्रैंक शाफ्ट मेरे को लेना था यार, मिस्टेक कर दी यार, मेरे को लेना पड़ेगा क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग केप। बेयरिंग केप को मेरे को लेना पड़ेगा, क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग केप। तो वर्ड को मैंने याद रख लिया, इस वर्ड को जहन में रख लिया। और ये क्या था फिर ये? अच्छा क्रैंक शाफ्ट स्टेयरिंग था, ये बेयरिंग केप चाहिए मेरे को। इतनी सारी चीज़ें मैंने ये बोलूँ, परचेज तो अभी 8-9 करे मैंने तो वो गए कहाँ। ये जो स्टेयरिंग था, अब मेरे को बेयरिंग केप चाहिए। बल्कि भाई यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई क्या भाई? मिस्टेक कहाँ पर हो गई? मिस्टेक कहाँ हुई है? बेयरिंग केप ठीक है, ये भी नहीं है बेयरिंग केप। अबे क्या स्पेलिंग है यार, कैम शाफ्ट बेयरिंग आ गया है। ये कौन सा कैम शाफ्ट स्टेयरिंग है यार, मेरे को बेयरिंग चाहिए। पर नाम में मिस्टेक तो नहीं हो रही मेरे? कैम शाफ्ट बेयरिंग केप। अबे आ क्यों नहीं रहा ये? अबे एक इंजन का हिस्सा नहीं, किसी और चीज़ का हिस्सा है ये? नाम अच्छी तरीके से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसका मेरे को ना, नाम में मिस्टेक लग रही। कैम शाफ्ट बेयरिंग, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक नज़र आ गई मेरे को। क्रैंक शाफ्ट था, कैम शाफ्ट नहीं था, क्रैंक शाफ्ट था, तो इसलिए जो थोड़ा सा मिस हो रहा था ये रही। इस वालों को जो 8-9 मेरे को परचेस करने पड़ेंगे फटाफट से। चल भाई आ जा आ जा, 8 तो मैंने यहाँ पर परचेस कर लिए। अब जल्दी जल्दी से लग जाओ भाई, वरना इतने मारूंगा ना तुम्हारे में। भाई काफ़ी सारा आइटम है जो इसके अंदर लगाने पड़े हैं, मेरा तो सर में दर्द होने लग गया भाई। क्या चीज़ मैंने हाथ डाल दिया, यानी कि इंजन खोल के गलती कर दी लग रहा मैंने। लेकिन भाई तकरीबन तो हमारा काम हो चुका है, एंड की तरफ जा रहा है मैं इंजन में। और तो कुछ मेरे को अभी इतना नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये थोड़े तो कुछ पार्ट्स लगेंगे। इसके बाद 100% हमारा गारंटी से इंजन जो है पूरा रेडी हो जाएगा। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर से हम इंजन को फिट करेंगे, उसके अंदर भी सर में दर्द होने वाला है, क्योंकि आप एक इंजन को फिट करने में इतना टाइम लग गया। तो अभी तो हमारे को पता नहीं क्या क्या चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चल भाई और क्या रह गया, सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर लगा दी हैं, और कुछ तो मेरे को अभी तकरीबन नज़र नहीं आ रहा। और अच्छी तरीके से चेक करेंगे यहाँ पर कुछ भाई ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है, क्या चीज़ है भाई? थोड़ा जूम भी कर लिया मैंने, क्या रह गया क्या रह गया इस साइड? ओह यारा यारा रोड केप थी, ठीक है रोड केप यहाँ पर भी लगा दिए भाई। अब क्या है? ओहो अभी तो ऑयल पेंट भी लेना पड़ेगा क्या? ऑयल पेंट मेड OHP का चाहिए। अबे क्या क्या चाहिए भाई, क्या क्या चाहिए? एक चीज़ फिट होती है उसके ऊपर दूसरी चीज़ लगाने के लिए आ जाती है हमारे पास। ऑयल पंप ऑयल पेन VAT OHP का, ठीक है भाई यहाँ पर कौन सा लगेगा? ये रहा, ठीक है एक ही के अंदर आ गया हमारे पास ये। इसको जल्दी से फटाफट से फिट करते हैं, आ जा भाई शाबाश। इसके भी जो है 6 नटों को हमने जल्दी टाइट कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6 ठीक है भाई 6। अब एक और चीज़ आ गई क्या भाई? क्या क्या रहता है सारा? ऑयल फिल्टर V8 का चाहिए मेरे को, OHP का। ऑयल फिल्टर V8 OHP का चाहिए, जल्दी से फटाफट वापसी टेबलेट में जाना पड़ेगा। गाइस इस तरीके से अगर हमारे पास टेबलेट नहीं होता ना कंप्यूटर था, हमें सामान को परचेस करना पड़ता, तो अब तक तो भाई हमारी हवा खुश्क हो जाती। बार बार कंप्यूटर में जाते बार बार कंप्यूटर में जाते, और मैंने हवा को टाइट जाना था। ये तो शुगर है कि भाई मेरे पास टेबलेट दिया हुआ था इन्होंने कि भाई फटाफट से यहीं खड़े खड़े हम जल्दी से सामान को परचेस कर लेते थे, तो इसका मेरे को काफ़ी सारा बेनिफिट हो गया भाई। यहाँ पर और क्या चाहिए? और कुछ तो नहीं लगेगा भाई, अच्छी तरीके से देख ले, बाद में नहीं बोलिए कि हाँ भाई ये रह गया। कुछ रहने का बोला ना बाद में बहुत मारूंगा बता रहा हूँ। भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, अच्छी तरीके से सारा चेक कर लिया भाई मैं तो फुल कुछ। ओहो कुछ नज़र आ ये रहा, ये रहा, ये क्या चाहिए? क्लच रिलीज बेयरिंग। अबे भाई अच्छी तरीके से चेक करने के बाद भी कुछ नज़र आई है क्या? अबे इतना कुछ लगा दिया अभी भी सारा कुछ रह गया क्या सारा? यार बड़ी हैरत होती है मेरे को, कितना आइटम लगा हुआ इसके अंदर एक इंजन के अंदर। ये रहा आ जा भूत नहीं आ रहा, तेरी कमी की वजह से मेरे को यहाँ पर एक मसला हुआ है। चल बना भाई अब आ जा, अब इसको लगाते हैं। इसके अलावा और कुछ मत निकाल दियो तू, ठीक है अभी तो यहाँ पर मेरे को कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ लग रहा है मेरे को।
मुझे तो नहीं, इसको रोटेट करते हैं। फिर मेरा पूरा रोटेट कर दिया इसको, आप चेक करते हैं इसके बाद अब क्या सीन है। कुछ तो नहीं मिस है इसके अंदर, और अब कुछ मिस होना भी नहीं चाहिए बता रहा हूँ। यहाँ पे भी नहीं है भाई, यहाँ पर भी तकरीबन है नहीं, सारा कुछ हमने इसके अंदर फिट कर दिया अच्छी तरीके से ना भाई, सारा अच्छी तरीके से हमने लगा दिया और अब कुछ रहा भी नहीं है। और अब सिर्फ हमें इंजन को फिट करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं इंस्टॉल अभी करें या बाद में करें भाई। क्या करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए मेरे को, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मूव कराना पड़ेगा उधर की तरफ, क्योंकि भाई जिसने इसको क्रेन को निकाला है वही क्रेन इसी को वापसी इंस्टॉल भी कर देगी, तो जाहिर सी बात ये तो है ही है। तो इसको मूव कराएंगे भाई, मूव वापसी से नहीं कराना मेरे को, बल्कि इसको फिट करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा भाई। सारी चीज़ें चेक कर लेते, अच्छा इंस्टॉल अभी नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे की तरफ से ट्राई करते हैं। मूव ही हो रहा भाई, इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा ये साला, ये भाई इंस्टॉल का सिस्टम कहाँ गया इसका, पेर ही इतना टाइम लग गया यहाँ पर, अभी और टाइम देने में लगा हुआ। इंस्टॉल का ऑप्शन अच्छा दे रहा नहीं है, अभी इसको वहाँ से वहाँ पे इसको पार्सल करना पड़ेगा भाई। ये क्या सीन है, इंजन एंटो क्रिएट इंजन, ठीक है भाई यहाँ पर हमारा इंजन आ गया। ओ भाई सारा 100% लगा हुआ, वी एट वन कर्व, ओ एचपी का इंजन हमारा जो पूरा रेडी हो चुका है, एक भी चीज़ नहीं बची है। पर तकरीबन हमने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फिट कर दी हैं, टेंशन कोई है ही नहीं अब, सारा बड़ी मुश्किलों से हमने निपटाया है। और यहाँ पर देखते हैं भाई क्या सीन है भाई, पूरा हमने फिट कर दिया इतना भाई सरकत है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंजन को इंस्टॉल करूंगा भाई। यहाँ पे मेरा सर में दर्द हो गया इंजन को लगा के, जो है ना पूरा इंजन बनाया, आपके सामने वीडियो की लेंथ कहाँ तक पहुँच गई है। तो गाइस इतना टाइम लिया, लेकिन ये कि हमने इंजन तो अपना रेडी कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उस वीडियो के अंदर पूरे इंजन को इंस्टॉल करेंगे, पूरा जो इसके अंदर कार के नीचे के जितने पार्ट्स वगैरह, टायर्स बनाएंगे, टायर्स के अंदर कार का टेस्ट करेंगे, कार रनिंग करेंगे, ड्राइव करेंगे, पूरी कार को रेडी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।